हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉम्पिटेटिव फार्म ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। देखिए, एसएससी की जो वैकेंसी निकली है, जो पीडीएफ आया था उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, तो वहाँ पे डिटेल क्वालिफिकेशन नहीं दिया था, तो स्टूडेंट के माइंड में बहुत ही कन्फ्यूजन चल रहा है कि डिटेल क्वालिफिकेशन उसका क्या है। तो देखिए, जब आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन होगा, जब आप अकाउंट ओपन करोगे, ठीक है, आप जब रजिस्टर करोगे, अकाउंट ओपन करोगे, तब यहाँ पे सिलेक्शन पोस्ट का एक ऑप्शन है, तो उसमें जाके आप अपना एक रीजन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो रीजन्स है, उस रीजन में से एक रीजन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज दैट आपने वेस्टर्न रीजन सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे वेस्टर्न मैंने सेलेक्ट किया, और देन आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है फेज 9 वाली, ये ऊपर वाली, ठीक है, उसको सेलेक्ट कर रहा है, एंड देन उसके बाद सर्च कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिटेल क्वालिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो डिटेल क्वालिफिकेशन में देखिए, यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट है, तो यहाँ पे आप, यहाँ पे देखिए नीचे एलोपैथिक फार्मेसी है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप व्यू डिटेल्स पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। व्यू डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपका डिटेल क्वालिफिकेशन और डिटेल उस पोस्ट के रिगार्डिंग जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। पोस्ट का कोड नंबर, पोस्ट नेम, ये जो बेसिक क्वालिफिकेशन जो एडवर्टाइजमेंट में दिया था 10+2, लेकिन डिटेल क्वालिफिकेशन देखिए क्या है उसका एग्जैक्टली। तो यहाँ पे डिटेल क्वालिफिकेशन आपको क्या होगा पता चलेगा। देखिए, डिटेल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे मेंशन किया है आपका 12th होना चाहिए, ठीक है, वो तो है। देन डिप्लोमा फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ओके, अंडर द PCI आपका फार्मेसी होना चाहिए। देन यहाँ पे देखिए, 2 year एक्सपीरियंस एज अ फार्मासिस्ट इन एनी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल और फार्मेसी, ड्यूली रजिस्टर एज अ फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। फार्मेसी एक्ट 1948 के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एंड आपको रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में या एनी फार्मेसी में 2 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ फार्मासिस्ट, ठीक है। और देखो, और आपका बी फार्म वाले को एक्सपीरियंस नहीं है, जो डिप्लोमा फार्मेसी है उनको 2 year का क्या है यहाँ पे एक्सपीरियंस मेंशन किया है। बैचलर डिग्री इन बी फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट एंड रजिस्टर फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट, आपका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, ठीक है, एंड आपका बी फार्म है तो बी फार्म, तो बी फार्म के जो स्टूडेंट है उनको यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है। जो डिप्लोमा के स्टूडेंट है वहाँ उनको 2 year एक्सपीरियंस एज अ फार्मासिस्ट इन एनी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल और फार्मेसी एंड रजिस्टर फार्मासिस्ट होना कंपलसरी है। ये है आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो डिटेल में आपको लॉगिन करने के बाद, रजिस्टर करने के बाद आपको ये डिटेल वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी फिर हर एक रीजन के हिसाब से जब आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे वैकेंसीज, एज लिमिट, देखिए ये 18 से 25 जो है ओपन के लिए है। अगर कैंडिडेट SC या ST है तो उसको 5 year प्लस होगा, अगर OBC है तो उसको 3 year प्लस होगा, ठीक है, उसका एज लिमिट उसको होगा, ठीक है। बाकी की जो पे मैट्रिक्स वगैरह, ओके, स्किल टेस्ट, यहाँ पे मैंने बताया था कि स्किल टेस्ट होती है, लेकिन लॉगिन करने के बाद जब डिटेल क्वालिफिकेशन में पता चला है कि नो स्किल टेस्ट यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है, फिर डायरेक्ट ही एग्ज़ाम होगी, कोई भी स्किल टेस्ट नहीं यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो देखिए, डायरेक्ट उसकी एग्ज़ाम है तो स्किल टेस्ट यहाँ पे नहीं मेंशन की है, नो यहाँ पे लिखा है स्किल टेस्ट के बारे में, तो यानी कि एक ही एग्ज़ाम होगी, स्किल टेस्ट यहाँ पे नो लिखा है, ठीक है, कोई स्किल टेस्ट नहीं होगी, डायरेक्टली एग्ज़ाम यहाँ पे होगी, ठीक है। बाकी चीज़ें दी है, इनिशियल पोस्टिंग देखिए हर एक वेस्टर्न रीजन की, तो नागपुर में जॉब रिक्वायरमेंट और ड्यूटीज़ क्या क्या है, स्टोर कीपिंग एंड डिस्पेंसिंग, मेडिसिन डिस्पेंस करना, स्टोर करना, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्किल टेस्ट मेंशन नहीं की है, यानी कि एक ही एग्ज़ाम होने वाली है। कैसा होता है कि बहुत बार अगर डिफरेंट सब्जेक्ट की एग्ज़ाम है तो स्किल टेस्ट होती है फार्मा के लिए बहुत से इसमें, तो एडवर्टाइजमेंट में डिटेल नहीं दिया था इसलिए मैंने स्किल टेस्ट वहाँ पे बताई थी, हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कोई स्किल टेस्ट मेंशन नहीं की है, यानी कि एक ही एग्ज़ाम होगी, ठीक है। सो देखिए, बी फार्म वाले डायरेक्टली भर सकते हैं, डिप्लोमा के लिए 2 year एक्सपीरियंस होना यहाँ पे कंपलसरी लिखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक्स वंस अगेन।